सो गाइस, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले नॉकनीज। नॉकनीज क्या होता है, उसको हम जेनू वेलकम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो दोनों नी की हड्डियाँ होती हैं वो दोनों जुड़ जाता है। इवन तो आपका एंकल बहुत स्पेस में रहता है पर आपका जो नी का हड्डियाँ है वो जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका हिप अबडक्टर और हिप एक्सटर्नल रोटेटर जो होता है वो वीक हो जाता है और हिप अडक्टर और हिप इंटरनल रोटेटर जो होता है वो टाइट हो जाता है। इसके वजह से आपको नॉक नी या जिनो वेलगम की प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक करने के लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी। इसको जानने के लिए अंत तक ये वीडियो देखें। ये अडक्टर टाइटनेस के लिए है। तो इसमें क्या करना है, आपकी पूरी बॉडी पैरेलल होगी और नी 90 डिग्री मुड़ा हुआ होगा और आपका हील एक दूसरे से टच रहेगा और आपका जो हिप है वो मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ नी जो है बुक के जैसा खुलना चाहिए। थेरा बैंड को ऐसे करना है और होल्ड करके रखना है 1, 2, 3, 4, 15 सेकेंड एंड देन यू हैव टू कम डाउन, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड। आपके हील टच रहेंगे एक दूसरे से, हील का नहीं जाना चाहिए और आपको नीचे आना है। इसको आपको 10 टाइम करना है विद द 15 सेकेंड होल्ड। हिप रोटेट नहीं होना चाहिए, हिप आपको देखना है कि हिप प्रॉपर पोजिशन में है एंड देन कम डाउन। ये अबडक्टर स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो इसमें आपको थेराबैंड लूप कर देना है नी के एकदम पोजीशन पे और आपको क्या करना है, कमर पे हाथ रखनी है और जितना उठ सके उतना उठाना है, घुटने के पीछे पिश करना है और पंजे को अंदर की तरफ करना है और आपको ये होल्ड करना है 20 सेकेंड और नीचे करना है। जितना ऊपर एक्सपैंड कर सके थेराबैंड को उतना और नीचे करना है और इसको आपको ऊपर में 15 सेकेंड होल्ड करके रखना है। दिस इज टू स्ट्रेंथन योर अबडक्टर मसल। सो नॉकनी में क्या होता है कि आपका घुटना जो होता है चिपका हुआ रहता है, तो इसको बचाने के लिए जब आपका स्लीपिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो जब भी आप रात में सोएंगे तो दोनों घुटने के बीच में एक पिलो लगा के सोएंगे ताकि आपके घुटने का जो गैप है वो मेंटेन रहे ऐसे। ये आपके अडक्टर टाइटनेस के लिए। तो इसमें क्या करना है, आपको बटरफ्लाई पोजिशन में आपको 2-2 kg का दोनों साइड डंबल रख के आपको स्ट्रेच करना है। इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के press your knees down and hold it for 20 second count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then relax it, do it for 5 times। वापस से इसको क्या करना है, आपको नी को प्रेस करना है नीचे, आपके अडक्टर स्ट्रेच होंगे, होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड देन रिलैक्स। ड्रॉप स्ट्रेच में आपको क्या करना है, आपको इस पोजिशन में आपका जो फीट होगा वो एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा, आपने थाई को एज वाइड एज पॉसिबल इन अप टू ओपन और आपको हिप को पीछे करते हुए इस पोजीशन में आना है, होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ऊपर आना है। इसको आपको 5 बार रिपीट करना है, इससे आपका इंटरनल रोटेशन का स्ट्रेच हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।